महंगाई के मोर्चे पर भारत में हालात अभी तक कंट्रोल नहीं आए हैं। देश के कई राज्यों में औसत से भी ज्यादा रिटेल महंगाई दर होने से वहां की कीमतों में मामलों में हालात ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा महंगाई वाले टॉप 5 राज्यों में पहले नंबर पर ओडिशा है, जहां नवंबर में खुदरा महंगाई दर 7.7% रही। इसके बाद राजस्थान में 7%, हरियाणा में 6.8% और कर्नाटक और पंजाब में 6.5% रिटेल महंगाई दर्ज की गई है। नवंबर में राष्ट्रीय औसत 5.5% रहा था, जबकि देश में 9 राज्यों में इन आंकड़ों से ज्यादा महंगाई दर नवंबर में दर्ज की गई। इनमें शामिल राज्य हैं बिहार, तेलंगाना, गुजरात और उत्तर प्रदेश, जहां पर महंगाई दर 5.56% से 6.54% के बीच रही। ग्रामीण इलाकों में महंगाई की मार लोगों को ज्यादा परेशान कर रही। NSO के मुताबिक ये आंकड़ा RBI के कंफर्ट जोन के भीतर तो बना हुआ है, लेकिन इसमें 3 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाने से RBI को चिंता होना लाजमी है। महंगाई में बढ़ोतरी के लिए मसालों की महंगाई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, जो नवंबर में 21.55% बढ़ी है। वहीं दाल और उसके उत्पादों में 20.23%, सब्जियों में 17.7%, फलों में 10.95%, अनाज और उसके उत्पादों में 10.27% की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि तेल और फैट के रिटेल दाम 15% कम हुए हैं। जिन राज्यों में महंगाई सबसे कम है उनमें शामिल है दिल्ली, जहां पर रिटेल इन्फ्लेशन 3.1% है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में 3.6% और जम्मू कश्मीर में ये 3.8% है। भारत की कुल मिलाकर महंगाई दर सभी विकसित देशों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। अक्टूबर में ब्रिटेन में महंगाई दर 4.6%, अमेरिका में 3.2%, जापान में ये 3.3%, जर्मनी में 2.3% और फ्रांस में 3.8% है। जापान को छोड़कर सभी विकसित देशों में महंगाई दर अक्टूबर में कम हुई है। RBI ने पिछले हफ्ते मौद्रिक नीति समीक्षा में 2023-24 के रिटेल महंगाई दर 5.4% रहने का अनुमान जताया है। खैर, जिस तरह से कश्मीर में ये महंगाई कम दिखाई दे रही है, उसे लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।